महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर राज ठाकरे की शिवसेना को छोड़कर एक अलग ही अपना गुट बनाया और बाद में वो मुख्यमंत्री बन गए। और आज मालेगांव शहर की लश्कर वाली ईदगाह पर इनकी जनसभा होने वाली है, जहां पर बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के अलावा मुस्लिम समुदाय की बड़ी तादाद में लोग आए हुए और हरे झंडे के साथ आए हुए। तो हम उनसे जानना चाहेंगे क्या उद्देश्य लेकर आए हैं आप यहाँ पर? दादा भूसे के उद्देश्य में हम लोग आए हुए और टोटल लोग ज़्यादा करके भागे महमूद से आए। हमारे गटर रोड के कामकाज मंत्री साहब के फंड से अभी हो रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग मंत्री साहब के साथ में अभी हमारे यहाँ के जितने भी संख्या है मंत्री साहब की वजह से हमारे मोहल्ले का, हमारे वार्ड का, रोड गटर का सब मामला क्लियर हो रहा है और काम चालू ही है। अच्छा। इसके लिए हम मंत्री साहब की सपोर्ट में हमारा पूरा भाग है महमूद इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। आपका नाम? कलीम मुकादम। कलीम मुकादम, कलीम मुकादम का कहना है कि मंत्री दादा भूसे के फंड से जो है इनके इलाके में काम हो रहा है, इसलिए वो मंत्री जी के हिमायत में यहाँ पर आए हुए, ना कि एकनाथ शिंदे की हिमायत में। हम यहाँ पर इनके साथ जो आए हुए हैं इनसे पूछना चाहेंगे कि आपके वार्ड में काम वगैरह हो रहा है बराबर? बोलो ना। हाँ जी, हमारे वार्ड में काम हो रहा है और कलीम मुकादम साहब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बाग महमूद में। मंत्री के उससे फंड से बहुत सारा काम हो चुका है और अभी हमको मेन गटर का काम है, रोड का काम कुछ बाकी है, वो भी करना है। और हमारी सपोर्ट में सब है। आप यहाँ देख सकते हैं बड़े संख्या में मुस्लिम समुदाय की महिला आई हुई है, क्या उद्देश्य लेकर आए हैं आप यहाँ पर? हम लोग दादा भूसे की तरफ काम करते आए यहाँ पे। आपके वार्ड में मंत्री जी काम कर रहे हैं? हाँ, काम कर रहे हैं अभी और करने का है काम। आप काम की बुनियाद पर देखिए, यहाँ दादी तो हरे झंडे के साथ हुए, हम इनसे बात करेंगे। आप बोलिए डायरेक्ट, बोलिए बोलिए बोलिए। हम काम के लिए, इस मकसद के लिए आए हैं सलीम भाई, कलीम भाई के साथ में बाग महमूद से। हमको दादा भूसे की पार्टी से जी। और आगे आप क्या काम करवाना चाहते हैं मंत्री जी से? रोड गटर बहुत हमारे को तकलीफ है, लाइट की लाइट की भी तकलीफ है, बच्चों स्कूल जाते हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बूढ़े लोग, हम बड़े बूढ़े, हम खुद भी गिर जाते हैं। वो वादा करे थे हमारे से मगर अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। हाँ, वैसे काम हो रहा है आपके वार्ड में? अभी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, अभी चालू है मगर अभी हमारा एरिया पूरा बाकी है। अच्छा। हाँ, और इस एरिया के वास्ते तुम ताकत लगाओ कि हमारा एरिया कामयाब हो जाए। नदी में पानी आता है तो जाने का मुश्किल हो जाता है हमारा, नदी में जब पानी आता है तो जाने का मुश्किल हो जाता है, तो रोड गटर बन जाएंगी तो हमारी मुश्किल आसान हो जाएंगी। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो गिर पड़ जाते हैं, रोकना पड़ता है। अब हमारा काम करो, हम तुम्हारे काम के लिए बिल्कुल आगे हैं हम, है ना? हम लोग को बाग महमूद में बहुत सब चीज़ की तकलीफ है, हर चीज़ की परेशानी थी, थोड़ा थोड़ा तुम लोग ने सब चीज़ की सहूलत करे, अब जरा संडास की भी हमारी परेशानी को दूर करो, जैसे संडास रोड गटर थोड़ी थोड़ी तो तकलीफ, अब हम थोड़ी थोड़ी सहूलत हमको मिल रही है मगर अब तो थोड़ी और हमको परेशानी है, तो हमारी परेशानी को दूर करो। हम मानते हैं तुम हमारा बहुत ख्याल कर रहे, हर चीज़ में आते, तुम्हारा बहुत एहसान है, विनोद भाई का भी बहुत एहसान है, विनोद भाई हर चीज़ में हमारे आते, हर मुसीबत में हमारे खड़े होते। दादा साहब को भी हमको बहुत कुछ बोलना है, यानी उनका भी बहुत एहसान है हमारे ऊपर, जिसे हमको रोड की, गटर की, और मेन तो संडास की हमको तकलीफ है। संडास लेडीज़ कहाँ जाएंगी? लेडीज़ जाती तो सारे आदमी लोग निकल के झाँकते, बड़ी बड़ी झाड़ी थी, वो झाड़ी में भी अब जाते थे तो वो झाड़ी भी कट गई है, हमको बहुत तकलीफ हो रही है। गटर भी और संडास भी बनाने का, क्योंकि ना लेडीज़ को जाने को बहुत तकलीफ है, जवान लड़की है वो कैसे जाएंगी भला बाहर, तो उसके लिए भी काम तो चालू है थोड़ा, अभी रोड का काम चालू हुआ। बहुत विश्वास तो है हमको, पर बच्चे बरसात में बहुत तकलीफ होती, बारिश में ना। हाँ जल्दी हो ना, बच्चे कैसे ना बाहर जाते ना बरसात में, बहुत तकलीफ होती स्कूल में जाने, माहौल कैसा है स्कूल में जाने, उनको बहुत तकलीफ होती छोटे बच्चों को, तो जल्दी से गटर भी और हाँ संडास के लिए जल्दी से काम चालू होंगे। बहुत हमको एहसान है, पर ये भी खराब है, जवान लड़की को अकेला कहीं भी, कलीम भैया की सपोर्ट से हमारे मोहल्ले में काम होना चाहिए, और कलीम की सपोर्ट से भी हमको काम होना चाहिए, कलीम बहुत कोशिश कर रहा है, कलीम भैया तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर हम ये बोलते हैं कि संडास पहले, तुम्हारा भी एहसान है, संडास रोड गटर का काम होना चाहिए।
नहीं मालदा शिवार घाट नंबर 133 अलकमा मैडम बोल रही। हमारे एरिया में दादा साहब बहुत ज़्यादा काम करते हैं। सबसे पहले पानी की टाकी बनाई, उसके बाद पानी की पाइपलाइन भी उन्होंने ही लाई। हमारी सबसे जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है पानी की, पीने के लिए पानी, वो उन्होंने ला कर दिए। और अभी रोड का काम चालू है तो हम यही चाहते हैं कि जैसे आज तक वो हमारा साथ देते रहे, हम भी उनका साथ देते हैं, तो इसी तरह वो हमारा काम करते रहे, हमारे इधर की गटरें सुधार दे, रोड सुधार दे, हम भी उनका का इसी तरह साथ देंगे जिस तरह वो हमारा साथ देते हैं। ये तो यहाँ अगर कुछ महिलाएं और कुछ बुजुर्ग जिन्होंने अपनी बातें हमारे सामने पेश की, लेकिन मर्दों की बात और जो खवातीन की बात थी इन दोनों में हमें थोड़ा सा विरोधाभास लगा, लेकिन यहाँ इनका आने का एक ही मकसद दिखाई दिया कि ये चाहते हैं कि अपने इलाके में काम हो, इन्हें सहूलियात फराहम की जाए।